दोस्तों, ड्रामा के लास्ट सीन में हमने देखा था कि आखिर कैसे इन दोनों की आर्गुमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। जिसके बाद ड्रामा के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि उस दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलते हैं और ना ही जॉन और यूजिन की कोई बात होती है। आगे हम देखते हैं कि साल 2011 चल रहा था, जहां मोजो नर्स की पोस्ट पे काम कर रही थी और उसी हॉस्पिटल में अपने कॉलेज की क्रश जोयू को एडमिट देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन वो उसकी रिकवरी में उसकी बहुत मदद करती है और इनके बीच काफी अच्छी बातें होती है। इसके बाद हम रियूजिन को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आकर अपनी मोम से मिलती है। दोस्तों, रियूजिन के डैड के मरने के बाद से उसकी मोम उसके अंकल के घर पे रहती थी। रियूजिन के अंकल उसे अपनी बेटी की तरह समझकर बहुत सपोर्ट करते थे। रियूजिन और उसकी मोम शाम को बातें करते हुए रोड पे जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें जेंग एक डॉग के साथ खेलते हुए दिखता है। रियूजिन उसे यह देखकर सरप्राइज हो जाती है। जेंग उनके साथ रियूजिन के घर जाता है और इनके बीच बातचीत होती है, जिसमें रियूजिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। जेंग उसे बताता है कि वो उसकी मोम की फैक्ट्री संभालने के लिए आया है। बातों के बीच वो दोनों खरगोश जैसे दिखने वाले पेपर के टॉयज बना रहे होते हैं, मगर रियूजिन उसे मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेंग उन डॉल्स को खराब करे। रियूजिन उसे उस सामान की कीमत बताती है, मगर जेंग उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ बैठकर मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे दूंगा। मगर ये सब सुनकर रियूजिन को बहुत बुरा लगता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। जेंग मायूस नजर आता है, मगर वो पूरी रात जाग कर बड़ी मेहनत से उन पेपर डॉल्स को बनाता है। बीच में रियूजिन भी उस कमरे में आकर जेंग को देखती है और उसे सिर्फ उसके लिए इतनी मेहनत करता देखकर रियूजिन भी इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह जेंग के हाथ पे चोट देखकर रियूजिन इमोशनल हो जाती है और दिल से उसकी मदद के लिए थैंक यू कहकर स्माइल करती है। फाइनली ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और जेंग उसे कॉलेज खत्म होने के बाद अपने साथ बीजिंग में रहने के लिए मना लेता है। जेंग रियूजिन का हाथ पकड़कर बहुत अच्छा फील करता है। कुछ दिनों बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है और रियूजिन बीजिंग में जॉब के लिए अप्लाई करती है, मगर उसे वहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। वो मोजो से इस बारे में बात करती है और मोजो उसे संघाई में जॉब के लिए अप्लाई करने को कहती है। रियूजिन को जॉब मिल जाती है, मगर संघाई में। वो इसके बारे में जेंग को बताती है, मगर वो उस पे गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें कभी तो मेरी बात को सीरियसली लेना चाहिए और फोन को कट कर देता है। रियूजिन जेंग को मनाने उसके शहर जाने के लिए ट्रेन की टिकट कटाती है। वो ट्रेन से उसके पास जा रही होती है, मगर जेंग उसे कॉल करके लास्ट टाइम उसका कॉल कट करने के लिए उससे माफी मांगकर उसे बताता है कि अगर तुम नहीं आ पाओगी तो मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा हूँ। रियूजिन उसे बताती है कि मैं भी ट्रेन में ही हूँ। वो दोनों एक स्टेशन पे मिलने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब वो जोर से हग कर लेते हैं और इस बार दोनों पूरी तरह प्यार में थे। और उस रात वो दोनों हॉस्टल में नाइट स्टे करते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट कुछ मंथ्स तक रिलेशनशिप में रहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ उनके दोस्त सोयू और मोजो, जो काफी टाइम से डेट कर रहे थे, वो अलग होने का फैसला करते हैं। दोस्तों, असल में जोयू के पेरेंट्स ने उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी थी। मोजो आखिरी बार अपनी बेस्ट फ्रेंड रियूजिन से मिलकर उसे बताती है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाकर रहेगी। शाम को रियूजिन जेंग के साथ उसके घर की पार्टी अटेंड करने के लिए उसके साथ थोड़ी शॉपिंग करती है। पार्टी में जेंग और रियूजिन दोनों ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि जॉन और जेंग की सिस्टर यूरी दोनों एक साथ शादी करने जा रहे थे। जेंग यूरी से पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जॉन तुमसे सचमुच प्यार करता है या फिर वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रहा है। जवाब में उसकी सिस्टर भी उससे रियूजिन को लेकर यही सवाल पूछती है और जेंग इस बात से नाराज हो जाता है। रियूजिन और जॉन भी बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिले थे। पार्टी से वापस जाते वक्त बारिश के बीच जेंग और रियूजिन दोनों रोमांटिक कपल की तरह एक ही
अम्ब्रेला का यूज करते हैं और इसी बीच जेंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो अच्छी या बुरी हर सिचुएशन में उसे सपोर्ट करेगा। ऐसे ही टाइम 2 साल आगे बढ़ता है और साल 2013 में यूजिन के ऑफिस के बाहर उसके अंकल उससे मिलने आए थे। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को कैंसर है और उनके ऑपरेशन के लिए मैंने फैक्ट्री से कुछ पैसे उधार पे ले लिए हैं, मगर हमें 3-4 लाख और चाहिए। क्या तुम जॉन से कुछ पैसों की मदद मांग सकती हो? जवाब में ह्यूजिन जेंग का नाम लेती है, मगर उसके अंकल उसे मना करते हैं क्योंकि वो पहले ही उसकी मॉम की सर्जरी के लिए जेंग की मॉम जो कि फैक्ट्री की ओनर थी वो उनसे लोन ले चुकी है। ये जानकर ह्यूजिन को अपनी मॉम की टेंशन होती है और वो पैसे अरेंज करने के लिए सभी जानने वालों को कॉल करती है। शाम को घर लौटकर ह्यूजिन मायूस लग रही थी, इसलिए जेंग उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पैसों के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो ना। देखो, अब तुम्हें मुझसे किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है। मगर ह्यूजिन उसे बताती है कि मैंने पहले ही जॉन से कहकर पैसे ले लिए थे। उसकी इस बात से जेंग बहुत हर्ट होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम उसमें मुझसे भी ज्यादा ट्रस्ट करती हो कि तुम्हें मुझसे पहले जॉन ही याद आया। जेंग गुस्से में उसके पैसे वापस लौटाने जाता है और जाकर जॉन के ऊपर पैसे फेंक कर उसे कहता है कि अगली बार तुम्हें ह्यूजिन से मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। जॉन भी उसकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसे टोंट मार के कहता है कि ह्यूजिन को ज्यादा जरूरत किसकी है, यह तो उसने खुद ही जाहिर कर दिया। जेंग वहाँ से सीधा स्टीवन और मिया के साथ बार में बहुत शराब पीता है। ह्यूजिन वहाँ जाकर उसे घर चलने के लिए मनाती है और फाइनली वो दोनों घर वापस आते हैं। ह्यूजिन उसे बताती है कि उसके अंकल ने पहले ही उसकी मॉम से कर्जा लिया था, इसलिए वो उससे और पैसों की जरूरत के बारे में नहीं कह पाई। वो उसे उसके थोड़े पैसे लौटा रही होती है और उसे एक एग्रीमेंट लेटर देती है, मगर उसकी इस हरकत के बाद जेंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लेटर को फाड़ कर रोने लगता है। ह्यूजिन उसके करीब आकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसे कहता है कि शायद तुम मुझे हमेशा हमारे फाइनेंशियल डिफरेंसेस का एहसास कराती रहोगी। वो दोनों रोने लगते हैं और उसके बाद मूवी में 2 साल का लीव आता है और अब जेंग एक बड़ी फर्म बिजनेस पार्टनर बन चुका था। और दूसरी तरफ ह्यूजिन को दिखाया जाता है जिसे बार बार जेंग की याद आती रहती थी। फाइनली वो उसी मंदिर में आई होती है जिसमें वो कुछ साल पहले कॉलेज के टाइम में आई थी। ह्यूजिन वहाँ स्टोर की हुई बुक्स में से जेंग की बुक ढूंढ लेती है। दोस्तों, इस बुक में जेंग ने सिर्फ ह्यूजिन का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसे इस बात का एहसास होता है कि जेंग ही एक ऐसा था जिसने उसे इतना सच्चा प्यार किया था। वो उसे पहचानने में की गलती पे रोने लगती है। वो जेंग को मनाने फटाफट बीजिंग चली जाती है, जहाँ से उसे जेंग का नया एड्रेस मिलता है। दोस्तों, जेंग अपने डेट के बिजनेस पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क में काम कर रहा था। ह्यूजिन उसके एड्रेस पे पहुँचने ही वाली थी, मगर उसे थोड़ी ही दूर पे जेंग किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ दिखता है। ह्यूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। बीच में जेंग ह्यूजिन को भागते हुए देख लेता है, मगर इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचे ह्यूजिन वहाँ से जा चुकी थी। वो उसे बहुत ढूंढता है और फाइनली उसकी मुलाकात ह्यूजिन से होती है। जेंग उसे समझाता है कि वो लेडी मेरी सिस्टर थी। ह्यूजिन और जेंग दोनों लव कन्फेस करते हैं और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज आप अपनी लवली गर्ल से फिर मिलने जरूर आना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना। बाय बाय।